आपके परिवार में कितने लोग हैं? 11। आप शौच के लिए कहाँ जाते हो? बाहर खेत में। खेत में शौच करने से क्या परेशानी होती है? वे खेत वाले लड़ते हैं, गाली देते हैं और लेटरिंग नहीं करन दे, और जो बच्चन की परेशानी है तो वे अब गरीब आदमी है और मजदूरी कर वे जावे और कह बच्चन को तीन तीन चार चार साल को लेटरिंग डाल रहे, परेशानी है। और रात बिरात जैसे पानू बास रहा तो अब डर लगता है, और गेल में बैठा तो लोग करते हैं तो शर्म लगती है, तो खड़े हो जा तो हो नहीं पाओ। और क्या समस्या है? और बेई मक्खी है तो लेटरिंग पे बैठ रही, घर में आ रही, सो गंदगी फैल रही, बीमारी आती है, हर महीना बच्चन को दवान खो ले जा। ललितपुर जनपद के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत छिल्ला में शौचालय नहीं बने थे, जिस पर मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को संगठित व जागरूक करते हुए मैं इस समस्या पर बदलाव ला पाया हूँ। इस समस्या का हल कैसे हुआ? ऐसे हुई कि आपने फोटो वोटू निकाली हम लोगों की मीटिंग की, और उसके बाद वृद्धा लोग आ गए, वहाँ भी मतलब दरखास्त लगवाई, मैडम के पास गए थे तो मतलब इसलिए समस्या हल हुई। शौचालय बन गया तो अब क्या फायदा हो रहा है? फायदा जी हो रहा है कि अब जो छोटे छोटे बच्चा हैं, बूढ़े पुराने आदमी हैं, अब उन्हें सहूलियत हो गई, मन लो परेशानी नहीं आती अब जाने में। आपके गांव में कितने शौचालय बने हैं? अभी तो 25 बने। हम लोग आप लोगों की संस्था को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों की वजह से हम जो सुविधा आप लोगों ने करवाई। चाहता हूँ कि इसी प्रकार अपने कैमरे के दम पर समुदाय की समस्या पर वीडियो बनाता रहूं और उनको जागरूक व संगठित करते हुए समुदाय के सहयोग से उनकी समस्या पर बदलाव लाता रहूं। मैं शंकर लाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहेड के लिए।